हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टडी एक्सपोनेंट। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में। एक्सपोनेंट क्या होता है? एन एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर शोज हाउ मेनी टाइम्स वी आर मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ कि कोई भी नंबर को उसी नंबर से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, ये प्रदर्शित करता है क्या? एक्सपोनेंट प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आपके दिया है 2 द पावर ऑफ 4। जो पावर में दिया गया है 4, इसको हम एक्सपोनेंट और इंडेक्स बोलते हैं। एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। और जो इसका बेस है यानी कि 2 आपको दिख रहा है, ये इसका बेस कहलाता है। तो 2 द पावर 4, इसको हम अगर सही फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 का मल्टीपल मल्टीप्लाई कितनी बार किया गया? 4 टाइम्स किया गया है। तो 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे तो ये आपका जो होगा ये आंसर मिलेगा 16 मिलेगा। तो 2 के पावर 4, ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, इसमें जो 4 आपका है वो एक्सपोनेंट है और जो 2 है ये आपका बेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग 2 4 टाइम्स। इट एक्सपेंडेड फॉर्म इज 2 × 2 × 2 × 2। एक्सपोनेंट इज ऑल्सो नोन एज द पावर ऑफ ए नंबर। इट कैन बी ए होल नंबर, फ्रैक्शन, निगेटिव नंबर्स और डेसिमल। इसका मतलब हुआ कि जो एक्सपोनेंट होता है वो आपका होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी होता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। अगर आप किसी भी एक्सपोनेंट का फॉर्म जानना चाहते हैं यानी कि किसी भी नंबर का एक्सपोनेंटियल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है आपका x^n, जहाँ पे n जो है आपका वो एक्सपोनेंट होता है और जो x होता है वो आपका बेस होता है। ठीक है, x^n और x^n। तो यहाँ पर जो n है वो आपका एक्सपोनेंट है और x क्या है, ये आपका बेस कहलाता है। ठीक, जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। x^n इज रीड एज x^n और x^n, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि x का मल्टीप्लाई कितनी बार किया गया है? n टाइम्स किया गया है। अगर n की जगह पे आपका 3 होगा तो x का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स किया जाएगा, अगर 4 होगा तो 4 टाइम्स। और अगर x की जगह पे कुछ दिया है, जैसे मान लेते हैं x की जगह पे 2 दिया है और n की जगह पे 3 दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 का मल्टीप्लाई आप 3 टाइम्स किए हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपके दिया गया है 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो इसका क्या मतलब हुआ? 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार किया गया? 5 टाइम्स किया गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 5। तो ये हुआ आपका एक्सपोनेंट। अब इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।